कभी सीजीआई चंद्रचूड़ के खिलाफ डाली थी याचिका। अब एक और जज को करना चाहता था बदनाम। वकील के खिलाफ होगी बड़ी कार्रवाई। जब से डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, उन पर लगातार कई तरह के आरोप लगाए गए। उन पर नक्सलियों से सांठगांठ के आरोप लगाए गए, भ्रष्टाचार का आरोप लगा। कई लोगों ने उनके चीफ जस्टिस बनने का विरोध भी किया था। डीवाई चंद्रचूड़ के मुख्य न्यायाधीश बनने के खिलाफ एक वकील ने डाली थी याचिका। अब उसकी शामत आ गई है। ऐसा बुरा फंसे कि अब जेल भी जाना पड़ सकता है। आखिर उस वकील का नाम क्या है, किस मामले में वह इतनी बुरी तरह से फंस चुका है, हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। क्या है पूरा मामला? मुंबई के एडवोकेट मुरसलीन शेख ने 9 मार्च 2023 को अधिवक्ता विजय कुरले के माध्यम से बॉम्बे हाईकोर्ट में एक PIL दाखिल की थी। इस PIL में बॉम्बे हाईकोर्ट की सिटिंग जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के खिलाफ तमाम आरोप लगाते हुए आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की थी। बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा ने एडवोकेट शेख की इसी जनहित याचिका का स्वतः संज्ञान लेते हुए 27 मार्च को एक मीटिंग आयोजित की। इस मीटिंग में न्यायमूर्ति डेरे के खिलाफ भड़काऊ और ओछी जनहित याचिका की निंदा की गई। बार काउंसिल ने आरोप लगाया एडवोकेट शेख ने हाईकोर्ट के एक मौजूदा जज को बदनाम करने और मामले को सनसनीखेज बनाने के उद्देश्य से PIL दाखिल किया। बार काउंसिल ने एडवोकेट शेख के कृत्य को सस्ता प्रचार और न्यायपालिका की छवि बदनाम करने वाला बताया। कार्रवाई का क्या आधार? बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा की मीटिंग में एडवोकेट मुरसलीन शेख के खिलाफ जांच शुरू करने और अनुशासनात्मक कार्रवाई का फैसला लिया गया। काउंसिल ने 3 सदस्यीय अनुशासनात्मक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी का गठन अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 35 के तहत किया गया है। समिति को पूरे मामले की जांच करने और बार काउंसिल को सिफारिश देने का जिम्मा सौंपा गया है। CJI चंद्रचूड़ के खिलाफ PIL का क्या आधार था? जस्टिस चंद्रचूड़ के खिलाफ लगाई अर्जी में राशिद खान पठान नाम के एक शख्स की चिट्ठी का हवाला दिया गया था। पठान ने जस्टिस चंद्रचूड़ के खिलाफ तमाम आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें दावा किया गया था कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने बॉम्बे हाईकोर्ट में कार्रवाई से संबंधित एक SLP पर सुनवाई की थी, जबकि उनका बेटा याचिकाकर्ता के वकीलों में शामिल था। सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखा पाए थे सबूत। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जब तत्कालीन चीफ जस्टिस यू ललित ने लॉयर से इसका सबूत दिखाने को कहा, तो वो अपनी फाइलों में कुछ ढूंढने लगे और बाद में आगे की डेट मांगी। जस्टिस ललित ने याचिका को भ्रम बताते हुए खारिज कर दिया था और नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था, आपने कहा था कि आप पूरी तरह तैयार होकर आए हैं, अब डेट मांग रहे हैं। BCI ने भी रखा था पक्ष। राशिद खान पठान ने राष्ट्रपति को लिखी अपनी चिट्ठी में जिस SLP का जिक्र किया था, बाद में उस पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी अपना पक्ष रखा था। साफ किया था कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील बॉम्बे हाईकोर्ट के वकील से भिन्न थे।